गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो नील के नखरे बेबे का गुस्सा श्वेता की पनौती अवनि की चुनौती खन्ना हाउस में आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार और खास बात यह है कि आज अवनि भी घर वापस लौट आई है इस जन्माष्टमी खन्ना परिवार का हिस्सा बनने मैं आ गई हूँ और नील को ढूंढ रही हूँ और नील मेरे सामने आते हैं हमारी हम साथ में आरती करते हैं लेकिन इस बार अवनि की घर वापसी हर किसी की आंखों में खटक रही है शिवाय नील के पापा के बिल्कुल पापा जी ने हमें इनवाइट किया है तो उनका मान रखने के लिए आना ही था हमें तो इसलिए हम आए अवनि को ससुर का प्यार तो मिला लेकिन बेटे नील के नखरे आज सातवें आसमान पर हैं नहीं नहीं आई थिंक डैड ने इनवाइट किया मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा था मैं इनके घर में बोल के आया था कि अगर तुम अभी आ सकती हो तो आ जाओ वरना इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी कॉल नहीं करूँगा तो मैं ये बोल के आ गया था इनके घर पे तो अभी बड़े ऑकवर्ड से साइलेंस है दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे कुछ बोल नहीं रहे तो देख रहे हैं लुक दे रहे हैं अवनि और नील श्री कृष्ण की आरती उतार रहे हैं लेकिन अवनि की नजरें तो अपने कृष्ण पर ही टिकी हैं अब कुछ बाल गोपाल ही कर सकते हैं अवनि ने पूरी कोशिश कर ली नील को मनाने की नील को समझाने की बट नील समझ ही नहीं रहे तो क्या कर सकती है अब अवनि कुल मिलाकर अवनि के लिए एक बड़ी चुनौती है नील के साथ साथ सारे घर का दिल दोबारा जीतने की लेकिन नील का टशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा देखिए कैसे गुस्से में लाल पीले हुए जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं अवनि आपको नील के करीब लाने का इंतजाम भी रखा गया है भाई आप दोनों का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है थोड़ा उलझा थोड़ा सुलझा थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा सा अब देखना यह है कि अवनि से नील कब तक नाराज रहते हैं मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो